80%। और अगर मैं मेरी बात ना करूं, भारत के प्रधानमंत्री एक समय में जो रहे राजीव गांधी, उनकी बात करूं तो वो कहा करते थे कि एक रुपया अगर मैं गरीब आदमी के विकास के लिए भेजता हूं तो उसके पास 15 पैसा ही पहुंचता है। इसका माने हर एक रुपए में 85 पैसे की लूट होती है। इसका माने जो भी बजट के लिए पैसा आप इकट्ठा करके देते हैं, जो भी पैसा पंचवर्षीय योजना के लिए इकट्ठा करके देते हैं, उनमें 85% धन की लूट होती है। अब आप बोलेंगे ये धन कौन लूटता है? ये लूटने वाले अपने ही नेता हैं, कोई बाहर वाला नहीं है। 1947 के पहले तो बाहर के लोग थे जो लूटते थे, अंग्रेज थे, विदेशी थे, इंग्लैंड से आए थे, वो लूटते थे यहाँ का धन और इंग्लैंड लेके जाते थे। लेकिन आज़ादी के बाद से तो एक भी अंग्रेज नहीं है इस देश की संसद में, इस देश की विधानसभाओं में, इस देश की राज्यसभा में या विधान परिषदों में कोई अंग्रेज नहीं है। सब अपने ही भाई भतीजे हैं, अपने ही भाई बंधु हैं, आपके मेरे हमारे सबके, वही लूट रहे हैं इस देश को और लूट लूट कर धन जमा कर रहे हैं। अधिकारी लूट रहे हैं, नेता लूट रहे हैं। हम लोगों ने इस विषय पर बहुत खोजबीन की है और खोजबीन करते करते पता चला है कि आज़ादी के पिछले 62 सालों में हमारे नेता और अधिकारियों ने जो धन लूटा है वो रखा कहाँ है? यहां तो नहीं रखते, यहां रखेंगे तो पकड़ जाएंगे, कभी भी इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। तो नेता धन लूटते हैं, अधिकारी धन लूटते हैं, यहां नहीं रखते, दूसरे देशों में ले जाके जमा करते। अब दूसरे देशों में ले जाके जमा करते हैं तो आप पूछेंगे किन देशों में जमा करते हैं? दुनिया में एक देश है बहुत छोटा सा, हमारे तो एक जिले से भी छोटा देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। वहां कुछ बैंक हैं स्विट्जरलैंड में, जैसे अपने देश में बैंक है ना, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूको बैंक, और फिर बहुत सारी दूसरी जिला स्तर की सहकारी बैंक वगैरह वगैरह, ऐसी ये बैंकें दुनिया में सब देशों में हैं। तो एक देश है उसका नाम है स्विट्जरलैंड, वहाँ 36 बैंक हैं, अपने यहाँ तो उससे ज़्यादा हैं, लेकिन वो देश छोटा है, 36 बैंक हैं। उनके कुछ नाम हैं, एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, दूसरी का नाम है बैंक ऑफ ज्यूरिख, फिर एक है बैंक ऑफ स्वाजीलैंड, ऐसी 36 बैंकें हैं। उन बैंकों में हमारे नेता और अधिकारी पैसा लूट कर जमा करते हैं। आप बोलोगे उसमें खाता खुल जाता है? हाँ खाता खुल जाता है, कोई भी खाता खोल सकता है, लेकिन जो खाता खोलता है उसका नियम है। जैसे आप अपने स्टेट बैंक में खाता खोलें तो स्टेट बैंक वाले क्या कहते हैं, कम से कम 500 रुपये जमा करो, कहते हैं ना, तभी खाता खुलेगा। स्विट्जरलैंड के बैंकों में नियम है कम से कम $10 करोड़ जमा करो तब खाता खुलेगा, कम से कम $10 करोड़। तो इसका मतलब तो पक्का है कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में खाता खोला है अगर किसी ने तो कम से कम $10 करोड़ तो है उसके पास, और $1 में 50 रुपया होता है, तो $10 करोड़ का मतलब हो गया 500 करोड़ रुपया। माने 500 करोड़ रुपए से कम अगर किसी के पास है तो वो तो खाता ही नहीं खोल सकता। अब स्विट्जरलैंड की बैंकों में ऐसे 80,000 खाते खुले हुए हैं, 80,000। किसके हैं? भारत के नेताओं के और अधिकारियों के। आप बोलेंगे जी इनके नाम बता दो, बताने वाले हैं हम, थोड़े दिन इंतजार करो, हमने पूरी खोजबीन कर ली, एक एक का नाम पता किया है, एक एक का।
आप बोलेंगे कैसे पता किया? वो जो बैंक वाले हैं ना जो खाता खुलवाते हैं वो बताते नहीं, वो गुप्त रखते, कोई जानकारी वो देते नहीं, तो फिर हमने कैसे पता किया? वो तो बताते नहीं किसी को, तो हमने कैसे पता किया? हमने ऐसे पता किया कि दिल्ली के हवाई अड्डे से, बंबई के हवाई अड्डे से, मद्रास के हवाई अड्डे से, कलकत्ता के हवाई अड्डे से, बड़े बड़े हवाई अड्डों से कौन कौन स्विट्जरलैंड जाता है, इसका पता करो। तो उसकी पूरी सूची निकाली हवाई अड्डों से। हवाई अड्डों से पता चला, लाखों लोगों की सूची निकल आई। फिर उसमें से हमने छांटना शुरू किया कि इसमें यह पता करो कि हर महीने कौन कौन जाता है, हर महीने कौन जाता है, 15 दिन में कौन जाता है, 20 दिन में कौन जाता है, 25 दिन में कौन जाता है, पता करो। क्योंकि घूमने वाला आदमी स्विट्जरलैंड जाएगा। कोई कहता जी मैं तो घूमने गया था। ठीक है भाई, तुम घूमने गए थे तो साल में कितनी बार घूमने कोई जाएगा? एक बार बहुत जाएगा, दो बार। ज्यादा लोग जो घूमने जाते हैं वो मुझे कहते हैं कि राजीव भाई एक बार स्विट्जरलैंड चले जाओ तो दोबारा जाने का दिल नहीं होता। क्यों? कुछ है ही नहीं वहां, कुछ ऐसा खास नहीं है। वो कहते हैं स्विट्जरलैंड से सुंदर तो अपना पंचमढ़ी है, स्विट्जरलैंड से सुंदर तो अपना शिमला है, स्विट्जरलैंड से सुंदर तो जम्मू कश्मीर है, स्विट्जरलैंड से सुंदर तो उत्तराखंड है। हिंदुस्तान में ऐसी 100 से ज़्यादा जगह हैं जो स्विट्जरलैंड से ज़्यादा सुंदर हैं। जो आदमी ने वो देखी नहीं है उनको स्विट्जरलैंड स्वर्ग लगता है, लेकिन जब इन जगहों को कोई देख लेता है वो कहता है स्विट्जरलैंड में तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो उससे ज़्यादा है। तो इसलिए जो घूमने जाता है वो एक बार के बाद दोबारा नहीं जाता, लेकिन जो बार बार जाता है, हर महीने में दो बार, तीन बार, चार बार, कुछ तो ऐसे महान हैं हर हफ्ते जाते हैं, उनकी सूची जब हमने निकाली तो उसमें 80,000 नाम निकल आए। और फिर हमने जब उनकी खोज करना शुरू किया कि ये नाम का आदमी हिंदुस्तान में क्या काम करता है, तो पता चला नेतागिरी करता है। इस नाम का आदमी हिंदुस्तान में क्या काम करता है? अब कोई उद्योगपति है, बहुत बड़ा उद्योग चलाता है, व्यापारी है, बहुत बड़ा व्यापार करता है, और वो उस सूची में नाम में आता है, तो मुझे संतोष है कि भैया वो तो उद्योगपति है, व्यापारी है, उसका तो हजारों करोड़ का व्यापार है, उसका तो हजारों करोड़ का साम्राज्य है, वो स्विट्जरलैंड जाके पैसे रखता है, जमा करता है, तो समझ में आता है कि उसके पास तो हजारों करोड़ है, 10 कारखाने, 20 कारखाने, 50 कारखाने। लेकिन जो शुद्ध नेतागिरी करता है उसका नाम उस लिस्ट में जो देखता हूं मैं, तो खटकता है वो कि इसकी तो चाय की दुकान भी नहीं है और इसका नाम उस सूची में है, इसकी तो पान की भी दुकान नहीं है और इसका नाम वो स्विट्जरलैंड जाने वालों की सूची में है। तो मन में शक पैदा होता है कि नहीं? जिस आदमी ने जिंदगी में चाय की दुकान नहीं खोली, जिसने पान की दुकान नहीं खोली, जिसने कभी जिंदगी में किराने और परचून की दुकान भी नहीं खोली, जिसने कभी व्यापार नहीं किया, कोई उद्योग नहीं चलाया, उसका नाम जब स्विट्जरलैंड जाने वालों की सूची में आता है और हजारों करोड़ रुपए उनका वहां पड़ा हुआ है, तो पक्की बात है कि उन्होंने कहीं से लूटा है वो पैसा।